हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्स्ट सॉल्यूशन। आज बात करते हैं रेडमी के नोट 8 फ़ोन की, जो बिल्कुल तरीके से डेड है। तो इसके डेड का क्या कारण है उसको आज हम जानते हैं। और आप छोटा सा कारण है, नॉर्मल सा, जिसमें आप सभी समझ सकते हैं। जब भी ऐसी नोट 8 में प्रॉब्लम आए तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं फ़ोन। ये देखिए फिर अब ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा, कि चार्जिंग भी लगा लेते हैं इसमें, तो ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, यानी स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो इसमें एक छोटी नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है नोट 8 में हर एक बार। तो आप एक काम कीजिएगा, पहले इसको सही से चेक कीजिए। इसको अपन पहले मीटर से चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू को नाप लेते हैं। वैल्यू का जानना ज़रूरी है कि फ़ोन डेड तो नहीं है ना। तो जो वैल्यू फ़ोन मेरे हिसाब से डेड नहीं है ये, तो वैल्यू इसकी आ रही है। ठीक है सर, एक को माइनस पर कर लेते हैं और एक को अपन प्लस भी। 433 आ रही है, यानी फ़ोन सेट चालू हुई है। तो ये जो प्लस का पॉइंट दिख रहा है, इस पर चेक करते हैं तो ये फ़ोन स्टार्ट बता रहा है। अब इसमें आपको मैं बताऊंगा कि नॉर्मली क्या प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड, इसमें आपको दिख रहा होगा कैमरे के अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कैमरे के अंदर ये टच किया हुआ है, तो एक बार इसके ज़्यादातर ये फ़ोन किसी को दिखाया लग रहा है ये आगे, तो अगर ये समझ नहीं आया था तो ये कैमरा दिख रहा है, ये कैमरे के अंदर तोड़ फोड़ हुई है। तो अक्सर आप इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। कैमरा दिख रहा है, ये टूटा हुआ है, तो एक बार इस कैमरे को हटा दीजिए। अक्सर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है डेट की सेट की, तो कैमरा हटा के अपन इसको चेक करते हैं कि ये क्या स्थिति में है। देखिए फ्रेंड, ऑन किया है तो ये ऑन हो गया है। तो इसका मतलब छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण सेट डेड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आप समझ भी पा रहे होंगे क्यों आई है। एक्चुअल में ये गिरा हुआ सेट है और कैमरे के ऊपर टच हो रखा है, टूट गया है। तो कैमरे के सेंसर इसके अंदर गड़बड़ हो गए थे। कैमरा वापस लगाया, आप देख चेक करते हैं तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये साफ और क्लियर बात है, ये कैमरे की प्रॉब्लम के कारण आया है। तो ये कैमरे को अपन वापस एक बार चेक करते हैं। कैमरे को चेक करने का कोई उपाय तो नहीं है, फिर भी अपन चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कैमरा निकाल दिया मैंने और इसको ऑन किया है, तो ऑन करना पड़े, ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड, मेरे हिसाब से ये कैमरे की प्रॉब्लम है। तो कैमरे को अपन चेक कर लेते हैं। कैमरा चेक नहीं होता, कैमरा डायरेक्ट मिस्टेक होता है कि सेंसर होते हैं छोटे छोटे से, सेंस नहीं कर पाता, तो या पिन वगैरह में गड़बड़ हो जाती है तो भी हो जाता है। तो कैमरा को रिमूव करते हैं यहाँ से। जब ये कैमरा रिमूव करते हैं देखिए फिर कैमरे को निकाल दिया अपने, कैमरा दिख रहा है, ये विकेट पर से क्रैश हो रखा है कैमरा, ये दबाव लग गया इसके सेंसर के अंदर, कुछ गड़बड़ हो गई है। इसके पॉइंट वगैरह भी एकदम क्लियर दिख रहे हैं, इसमें कोई पॉइंट की भी प्रॉब्लम नहीं की एक्चुअल में ये। अब इसके ऊपर एक बार माइनस वाइट प्रॉप को घुमा देते हैं, अगर कोई टच भी होगा पॉइंट तो वो छूट जाएगा। तो फ्रेंड, इसको करते हैं। कैमरा मेरे हिसाब से कैमरा की पॉइंट वगैरह सारे सब कुछ सही है। अंदर से जो सेंस होते हैं वो सेंसर इसके वी पॉइंट पर रख लें इसको एक बार, और उसको बिल्कुल पूरे पे घुमा दीजिए। इससे कहते हैं कोई पॉइंट अगर मिस्टेक भी हो गया सही है तो अपना पता चल जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, एक बार नोट 8 में आप कैमरा भी चेक कर लीजिए, क्योंकि अक्सर कैमरे की प्रॉब्लम का नोट 8 के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड, ये देखिए एकदम कैमरे में कोई प्रॉब्लम, कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इसमें, क्योंकि कनेक्टर एकदम फ्रेश लग रहा है। ये जो है कैमरा ऊपर से दब चुका था, तो कैमरे के सेंसर मिस्टेक हो चुके हैं, इस कारण ये प्रॉब्लम आई है। वापस एक बार लगा के चेक करते हैं, स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। नहीं हो रहा, स्टार्ट के अंदर मैंने लगाया था, क्योंकि ये हैंग हो चुका है। तो फिर